ओम शांति। आज का वरदान है सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग। सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। चिंतन करेंगे, मैं आत्मा अभिमान मुक्त हूं। बाबा ने कहा कि बच्चे, सेवा कोई भी करते हो, सेवा करते करते तुम्हें मान शान की इच्छा में नहीं जाना है, क्योंकि मान शान की इच्छा के पीछे जाना माना कच्चा फल खाना, अभी प्राप्ति कर लेना और ऊंच पद में भविष्य में वंचित हो जाना। तो चेक करें, स्वयं को मैं आत्मा चेक करती हूं कि मुझे कहें सेवा करते करते मान शान की इच्छा तो नहीं रहती है। चेक कीजिए स्वयं को। क्या मुझे सेवा का अभिमान आ जाता है? अपने आप को अंदर से देखें कि मैं आत्मा सेवा के द्वारा किसको प्रत्यक्ष करना चाहती हूं, बाबा को या स्वयं को? अपने मन की गहरी चेकिंग करें। बाबा ने कहा है सेवा में मान शान की इच्छा रखना, ये माया का रॉयल रूप है। मुझे इस रूप में नहीं फंसना है। मुझे मान शान के लिए सेवा नहीं करनी है। स्वयं को सदा याद दिलाना है कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। अपने को याद दिलाना है ये किसकी सेवा है। किसने मुझे सेवा लायक समझा? और ये सेवा की विशेषता मुझे किसने दी? अपने आप को पक्का कराना है ईश्वरीय सेवा में
मददगार बनना, ये मेरा सौभाग्य है और ये सेवा मैं आत्मा किसी के लिए नहीं करती, बाबा मुझे ही सेवा के माध्यम से पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हैं। इक्कीस जन्मों का राज्य भाग्य दे रहे हैं। तो भला अभिमान किस बात का? मैं आत्मा नाम मान शान और अभिमान से परे हूं। मुझे परे ही रहना है। अभिमान से परे रहना माना सदा प्रसन्नता का अनुभव करना। तो मैं आत्मा आज ये संकल्प करती हूं कि मुझे कर्ण करावन हार की स्मृति में रहकर निमित भाव से सेवा करनी है और सदा अभिमान से परे रहे प्रसन्न रहना है। ओम शांति।